कैसा लगा हनी देख के? सुंदर है। पास में जाना है, देखो गाइस कितना अच्छा है ना। अब देख रहे हो ना वहाँ पे सब, मतलब क्या कहते हैं वो जो बार बोलते हैं ना, तो उस तरफ ये सब बार वगैरह इस तरफ इसके पीछे, समझे हनी? गाइस अभी जो क्या कहते हैं हम लोग जहाँ पे रहते हैं ना उसके पास में वो जो डियर पार्क है, तो वो सोचा मेरा वाइफ को थोड़ा सा लेके यहाँ पे घुमा लूँ, जो हॉस्कास के पास ही पड़ता है। जो दिल्ली में रहते हैं उन लोगों को तो पता ही होगा, तो मेरा वाइफ तो फर्स्ट टाइम आया ना, तो सोचा थोड़ा घर दिखा देता हूँ, क्योंकि ये थोड़ा बड़ा है तो इतना तो वो घूम नहीं पाएगा, थक जाएगा, क्योंकि कल उसका इंटरव्यू है। तो जस्ट थोड़ा सा यहाँ से आस पास थोड़ा सा घुमा देता हूँ यहाँ से। तो मैंने उसको ये भी बताया कि जब मेरा डॉगी है ना टाइसन, तो वहाँ पे मैं लेके आता हूँ शाम को, शाम के टाइम पे, और यहाँ पे बहुत सारे लोग डॉगी भी आते हैं, तो एक साथ सब गेट टुगेदर होते हैं और उन लोग यहाँ पे हम लोग खेलते भी है सब कुछ। और वही संग लड़ता हूँ कहूँ एक डियर तो डियर डियर चलो ना डियर ऐसे यहाँ साइड में बेची फजे गया टाचन तो वो यहाँ छोड़ो मांग चलते हैं ऐसे यहाँ फजे जाता। चलो आ जाओ डियर दिखा, इधर से आ जाओ। चलो मेरा वाइफ को भी थोड़ा डियर दिखाते हैं, आप लोग को भी दिखाता हूँ। चलो मेरे ब्लॉग से ये देख लो डियर, कैसा लगा हनी देख के? सुंदर है। पास में जाना है, देखो गाइस कितना अच्छा लग रहा है पास से देखने में। कितने सारे हैं? पता नहीं मुझे भी है। सोहनी आज तो देख भी लिया ना पास से डियर को, तो कैसा लगा आज बताओ? इतने पास से नहीं देखा था कभी। हाँ मैंने भी नहीं देखा था। मेरे पापा फॉरेस्ट में मतलब ऑफिसर थे, पर मैंने कभी इतने पास से नहीं देखा था, आज पहली बार देखा इतने सारे डियर। बहुत अच्छा लगा, कितने सुंदर है। क्योंकि मैं भी इतना साल से यहाँ पे रह रहा हूँ, बस एक बार या दो बार आया हूँ मतलब इस तरफ है ज़्यादा, मैं एक्चुअली उस तरफ रहता हूँ क्योंकि वो मेरा टाइसन को लेके जाना पड़ता है, और सब डॉगी एक साथ रहते हैं ना, तो इसीलिए बस। तो एक्चुअली क्या है कि उस तरफ तो ज़्यादातर लोग सब डॉगी को लेके आते हैं और सब हम सब एक साथ मिलते हैं और बस थोड़ा सा वो लोग सब खेलते हैं ना, तो ज़्यादातर इस तरफ आना नहीं पड़ता। तो आज सोचो मेरे वाइफ को भी थोड़ा लेके आ जाऊँ इस तरफ, देख लो कैसा है करके। तो अभी मैं मेरे वाइफ को वहाँ लेके जा रहा हूँ जहाँ पे हम लोग मेरे टाइसन को वहाँ पे जो घुमाते हैं ना, तो दिखाता हूँ आज मतलब पुराना वाला थोड़ा ताज़ा कर लेता हूँ ना लगता है। तो अभी किस तरह जाना है भाई? अरे यार मैं तो रास्ता ही भूल गया यार, किस तरह से जाना है।
शायद इस तरफ से होगा। उसने एक्चुअली बहुत डेढ़ साल के बाद आ रहा ना, तो थोड़ा सा मुझे डायरेक्शन नहीं मिल रहा है, तो अभी देखता हूँ किस तरफ से जाना है। शायद हाँ इस तरफ से होगा। चलो ये पता नहीं यार, थोड़ा अलग से लग रहा है। इस तरफ से तो निकल भी आया नहीं हूँ, और ये हो सकता है शायद मैं इस तरफ ज़्यादा कम आता हूँ ना, तो इसलिए मैं डायरेक्शन पता नहीं चल रहा है। हाँ, यही होगा शायद। हाँ इधर से है। चलो चलो आ जाओ आ जाओ, मिल गया मिल गया। चलो जल्दी नीचे उतरते हैं। तो गाइस ये रहा डियर पार्क, मतलब वो भी डियर पार्क ही है, तो उसके अंदर जहाँ पे यहाँ मतलब क्या कहते हैं, मैं टाइसन को लेके आता हूँ। ये जो है बहुत बड़ा सा देख रहे हो ना पार्क, तो ये पूरा घूम के इधर से जाना पड़ता है। तो चलो और दिखाता हूँ जहाँ पे रॉक स्टार का मूवी जो शूट हुआ था ना, तो मेरा वाइफ को मैं दिखाऊँगा वहाँ पे कहाँ पे वो शूट हुआ है करके। तो देख सकते हैं यार बहुत बड़ा है। और इस पार्क के जो पीछे है ना, आप देख रहे हो ना वहाँ पे सब मतलब क्या कहते हैं, वो जो बार बोलते हैं ना, तो उस तरफ ये सब बार वगैरह इस तरफ इसके पीछे, समझे या नहीं, उधर ही है। तो आप देख सकते हो ना, तो यहाँ पे वो रॉकस्टार का जो मूवी हुआ था, ठीक है। तो देख लो हनी यहाँ पे बाद में कब आओगे पता नहीं, अभी से देख लो ये। यहाँ पे सब अपना भाई रहता है यार, सब अपना मस्त में रहता है, सही लगता है यार यहाँ पे मुझे। डाल के फिर वॉक करने निकल जाती थी, वही सही है ना। वहाँ पे बहुत सारे पार्क, यहाँ पे है गाइस मेरा टाइसन को लेकर आता हूँ, देख रहे हो कितना बड़ा ग्राउंड है यार, बहुत मस्त है। मेरा वाइफ तो बोल रहा है इतना बड़ा ग्राउंड है कहाँ से निकलेंगे, इसको समझ भी नहीं आ रहा बोल रहा। तुम आओ तो सही, मैं दिखाता हूँ कहाँ से निकलना है। इधर पे टाइसन लोग को मतलब बहुत सारे लोग डॉगी आते हैं, अलग अलग डॉगी, तो यहाँ पे सबको वो एक साथ खेलते हैं ना यहाँ पे सब। वो देखो तो भी वो है, वहाँ भी देख रहे हो यार, तीन दिन पहले पता लगे ब्रोनो का बॉल लेके चल क्या रहा है, अब जिसके हाथ में बॉल लग गया तेरे उसके मैं इतने घोटे मारूंगा ना। तो यहाँ पे कोई भी नहीं है डिस्टर्ब करने वाला, सब अपने अपने में है, किसी से अपने से कोई मतलब नहीं है। तो यहाँ का मुझे वो थोड़ा अच्छा लगता है, वो देख रहे हो लेबरा है मतलब सब एक साथ आते हैं यहाँ पे, तभी सब जान पहचान होता है यहाँ पे कौन कैसा है, डॉगी कैसे हैंडल करना पड़ता है सब पता चलता है। लेकिन हम लोग का होम टाउन वही नहीं, हम लोग का होम टाउन में तो मेंटेलिटी भी बहुत ख़राब है, कहीं पे भी लेके जाओ इसको लेके जाओ उसको लेके जाओ ऐसे बोलते हैं। तो ये देखो मेरे पीछे देख रहे हो वहाँ पे डॉगी खेल खेल रहा है, ये लैब्राडोर है ना। हाँ ये लैब्राडोर है, ठीक है। और वो फॉक्स है, तो बराबर ये हस्की है। तो यहाँ पे सब मतलब वीकेंड में पिकनिक करने के लिए भी आते हैं, डॉग के घुमाने के लिए आते हैं, बस ये है सब जगह। तो ये अच्छा लगता है मुझे यहाँ पे। इश हमारा टाइसन भी इससे खेल सकता था, कितना अच्छा होता ना। तो यहाँ पे सब जगह ही नहीं है, ये देखो यहाँ पे सब अपना अपना खेलते रहता है। तो हाँ यहाँ का अलग है, अलग से माहौल है ना यहाँ पे, देखो
वो कौन सा डोगी है पता है? सैन बर्नार्ड है एक्चुअली। मैं ये पहले लेना चाहता था, ये बहुत बड़ा है, साइज देख रहा है, लेकिन वो एंटरटेनमेंट है, ऐसा कुछ नहीं है, देख के उसको डर लग गया। सो हम लोग अभी जा रहे हैं इस रोड, इस वे से चला जाएंगे अभी, उधर गेट पड़ता है ना, तो उधर से निकलते हैं अभी। तो बहुत नीट एंड क्लीन है ना ये पार्क, कैसा लगा देखो? इसलिए मैं तुमको लेके आया था क्योंकि बाद में तुम कब आओगे पता नहीं, तो ये पार्क भी देख लो कैसा। पासन को जब यहाँ पे लेके आता हूँ शाम शाम को घुमाने के लिए, तो अच्छा है यहाँ पे यार। सो गाइस अभी जा रहे हैं हम लोग के होटल में भी। मेरा भाई भी थक गया आज, इतना बड़ा जो पार्क चक्कर लगा दिया ना उसको, तो मैं भी थक गया हूँ, तो अभी जाके रेस्ट करूँगा, उसके बाद वो थोड़ा सा इंटरव्यू के लिए प्रिपेयर कर ले, बाद में डिनर के लिए निकलेंगे। तो चलो गाइस आज के लिए तो बस इतना ही है यार, नेक्स्ट ब्लॉग में आप लोग को दिखाते हैं, तब तक के लिए चलो आज जितना आप लोग को मैंने थोड़ा सा एक्सप्लोर किया है सही लगे तो थम्स अप कर देना, लाइक शेयर और सब्सक्राइब। चलो दूसरे अगले ब्लॉग में आप लोग को दिखाता हूँ कुछ इंटरेस्टिंग, ठीक है? ठीक है ना हनी? चलो कुछ बोलोगे? नहीं थक गए। चलो ठीक है।